कौशाम्बी सिराथू नगर निकाय चुनाव को लेकर बनी तेज से सरगर्मी। अब प्रमुख राजनीति पार्टी के प्रत्याशी रोड पर आ चुके हैं, जिसमें देश और प्रदेश में जिनकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाई गई प्रत्याशी दीपा श्रीवास्तव पत्नी मीना श्रीवास्तव है। दूसरे नंबर पर उतरी है प्रमुख समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नसीमा, जहाँ पत्नी इकबाल अहमद बनाई गई है। तीसरे नंबर पर उतरी है प्रमुख बहुजन समाज पार्टी की तरफ से नकवी, जहाँ पत्नी अतहर अब्बास प्रत्याशी बनाई गई है। जहां लगातार सभी प्रत्याशी अपने आप पर दावा कर रहे हैं, अब लोगों के बीच में यह चर्चा का विषय बन गया है। लोगों का कहना है कि हम अपने बीच में वह प्रत्याशी लाएंगे जो शिक्षित हो और अपने क्षेत्र का विकास कर सके, जो लोगों की समस्या सुन सके और हमारे बीच में हमारी समस्या सुन सके। अब लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों का कहना है कि अगर सिराथू दारानगर कड़ाधाम के प्रत्याशी बनेंगे नसीमा, जहाँ पत्नी इकबाल अहमद बनेंगे। नमस्कार, मैं हूँ शहनवाज आलम, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ चैनल के साथ। बात करेंगे कौशाम्बी सिराथू, जहां सबसे हार्ड सीट मानी जाने वाली सीट सिराथू कड़ा ब्लॉक के में आज हम उपस्थित हैं, और जहां नगर निकाय चुनाव के चाहे किसी भी पार्टी के प्रत्याशी हों चाहे निर्दलीय प्रत्याशी हों, लगातार इस मैदान में उतर चुके हैं और लगातार मेहनत भी कर रहे हैं। अब यह देखा जा रहा है कि जनता किस प्रत्याशी को सदस्य के रूप में चुनित करना चाहती है, और आज हमारे साथ कड़ा ब्लॉक के अकबर भाई नगर निकाय चुनाव को उनके प्रत्याशी आज हमारे साथ उपस्थित हैं। जानेंगे इनसे, कुछ खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले अकबर भाई, आपका अभी न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। मैं जानना चाहता हूँ, क्षेत्र की जनता सभी प्रत्याशी लगातार लोगों से जनसभा कर रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? भाई, चुनाव का वक्त आ गया है, सभी प्रत्याशी जनता के बीच में जाएंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे, अपने अपने वादे बताएंगे, क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं। उसी क्रम में मैं भी जो है अपनी माता के लिए प्रचार कर रहा हूँ। क्या कहेंगे इस पर? मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का ये इंटरनल मैटर है। पार्टी जिसको टिकट दे किसको नहीं देती है, ये तो पार्टी का अपना मैटर है। आप जैसे लोगों से जाकर जनसभा करते हैं, क्या कहकर लोगों को संतुष्ट करते हैं कि आपकी बार हमें मतदान करिए? देखिए, मैं एक पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग से आता हूँ, मैं पेशे से एक इंजीनियर हूँ, सरकारी नौकरी छोड़कर आया हूँ, अपने गांव में अपने नगर पंचायत में लोगों के विकास के लिए काम करना चाहता हूँ, और समाजवादी पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है, और समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि हमेशा उसने संघर्षों का साथ दिया है। तो हम लोग कड़े धाम की धरती पर रहते हैं, ये वैसे भी बहुत बड़े संघर्षों की धरती है, संत महात्माओं की धरती है, यहाँ ख्वाजा कड़क साहब दाल हैं, शीतला माता हैं, और भाजपा से तो वैसे भी कड़ाधाम के लोग नाराज़ हैं कि बाबा यहाँ आते हैं, गृह मंत्री यहाँ आते हैं, कड़ाधाम के सरजमी पे आते हैं और माता जी का दर्शन नहीं करते हैं, यहाँ से खाली हाथ लौट जाते हैं। या ये बताइए, सबसे पहले अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? संजीत पंडना। कहाँ के रहने वाले हैं? शीतला धाम। अब की बार नगर निकाय चुनाव को लेकर किस प्रत्याशी को यहाँ उतारना चाहते हैं? इकबाल प्रधान जी को। अंतर्गत के इस्माइलपुर और कई क्षेत्र के लोग हैं। भैया, हम आपसे जानना चाहते हैं, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। आप लगातार देख रहे हैं कड़ा ब्लॉक में प्रत्याशी सभी मैदान में उतर चुके हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, अब की बार किस प्रत्याशी, कैसा होना चाहिए प्रत्याशी आप लोगों की दृष्टि में? दरअसल प्रत्याशी जो ये लड़का अभी अभी आपके सामने खड़ा है अकबर, इनकी माता जी लड़ रही हैं और एक शिक्षित परिवार से लड़का है, और इसको अगर देखा जाए तो राजनीति भी विरासत में मिली है। यहाँ दो तीन बार इनके फादर जो हैं प्रधान भी रह चुके हैं, और पब्लिक भी काफ़ी इनको पसंद कर रही है। बाकी किसी चीज़ की गारंटी देना वह हिमाकत है, लेकिन पब्लिक बहुत ज़्यादा लाइक कर रही है। आप किस तरह देखते हैं अकबर भाई को? अकबर भाई को तो हम विजयी के तौर पर देख रहे हैं। विजयी के तौर पर देख रहे हैं, हाँ, फुल उम्मीद है। बताया ना कि अभी तो हमारी उम्मीद है ना। आप अकबर भाई को उतारेंगे? अकबर भाई के क्यों? नहीं, क्योंकि पब्लिक डिमांड कर रही है, नहीं फुल डिमांड कर रही है। फुल डिमांड क्या है अकबर भाई में? ऐसा क्या है, ऐसा बहुत ईमानदार हैं, और वैसे भी समाजवादी पार्टी से है, टिकट मिला इन्हें। कैसा प्रत्याशी आप लोगों को चाहिए, विकास हो या और नहीं? विकास हो, विकास होना चाहिए, बस घोरा जाए और उसमें चीनी कम डाल दिया जाए, तो उस प्रत्याशी को कैसे देखते हैं आप? वो मीठा नहीं रहेगा शरबत, और मीठा नहीं रहेगा अगर उस चीज़ का एक आप उदाहरण देते हैं प्रत्याशी से, तो प्रत्याशी ठीक नहीं रहेगा जी। कैसा प्रत्याशी चाहिए आपको?
पहली बात, यहाँ पे इकबाल प्रधान जी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी नौजवानों की, किसानों की, मजदूरों की, सभी समाज, सभी वर्ग की पार्टी है। समाजवादी मात्र एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा विकास पे काम करती है और हमेशा विकास करने काम करती है। समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार में 100 डायल, 108 नंबर एम्बुलेंस की व्यवस्था, आगरा एक्सप्रेसवे जो बहुत शानदार एक ऐसी रोड बनी है कि आज तक जितनी सरकार बनी या जो मौजूदा सरकार है ऐसी रोड नहीं बना पाई। और हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और समाजवादी पार्टी से अच्छी कोई पार्टी नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। और रही बात, मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के बारे में जी। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है सांप्रदायिक दंगे भड़काने का काम करती है, हिंदू मुसलमान को आपस में झगड़ा कराने का काम करती है, भाईचारा ख़त्म करने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या आम आदमी है? मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, प्रदेश सचिव मुलायम सिंह युद्ध ब्रिगेड। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम होली गेट मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीजें हमने ऐड करी है, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनोन और आपके नेट के अंदर काफी डिजाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।